Hello students, welcome to our online classes. तो बेटा 12th physics electrostatics chapter 2 हम study कर रहे हैं. उसमें जो हमारा topic चल रहा है वो है electric field intensity of an electric dipole. इसका first part था electric when point lies at axial line और second था when point lies on equatorial line. तो ये दोनों article हमने drive कर चुके हैं. इसके video भी आपको available है. आप हमारे channel में playlist में जाके search कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. आज हम थर्ड पार्ट करेंगे बेटा इसका. तो एक्सियल लाइन जैसे बताया था ये एबी डाइपोल है. इसकी दोनों चार्ज और सेंटर से पास होने वाली लाइन को हम एक्सियल लाइन बोलते हैं. उसकी फील्ड का फॉर्मूला ये है. और ये लाइन इक्वेटोरियल लाइन थी, उसका भी हमने डेरिवेशन किया. तो हाँ, ये फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कि 2p/4πε0 आर क्यूब. इक्वेटोरियल में था p/4πε0 r³. यहाँ पर p जो है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड लेंथ ऑफ डाइपोल. ए बी ये जो डिस्टेंस है इसको लेंथ ऑफ डाइपोल बोलते हैं. दोनों के प्रोडक्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. यानी कि बेटा इससे प्रीवियस जो वीडियोस है हमारी या प्रीवियस जो क्लासेस हुई थी उसमें हमने यहाँ पर फील्ड कैलकुलेट की थी. इस एक्सियल लाइन पर हमने पॉइंट यहाँ इमेजिन किया था और डिस्टेंस था डाइपोल के सेंटर से आर. तो ये फील्ड हमने यहाँ पर कैलकुलेट की थी. दूसरा यहाँ कैलकुलेट की थी बेटा, ये इक्वेटर लाइन पर यहाँ पॉइंट अज्यूम किया था और हमने फिर इन दोनों चार्ज की सेपरेट फील्ड कैलकुलेट की थी. तो बेटा वो दोनों केस आप वीडियोस में जाकर देख सकते हैं. आज हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. ये हमें समझना जरूरी है इस आर्टिकल के डेरिवेशन के लिए. वी कंसीडर अ डाइपोल ए बी ऑफ डाइपोल मोमेंट पी और ये डाइपोल का सेंटर है और इस ये जो डाइपोल है. अब हमें पॉइंट ना तो एक्सियल लाइन पर गिवन है और ना ही वो इक्विटोरियल लाइन पर गिवन है. आर्टिकल में कहा है कि पॉइंट इस एक्सियल लाइन पर भी कहीं नहीं होगा और इस इक्विटोरियल लाइन पर भी कहीं नहीं होगा, किसी और पॉइंट पर होगा. तो मैं पॉइंट अज्यूम कर लेता हूं ये पी पॉइंट. यहां फील्ड कैलकुलेट करनी है और डाइपोल की जो बेस लाइन है उससे एंगल उसका थीटा है. अगर ये एक्सियल लाइन है तो थीटा जीरो होगा, इक्वेटोरियल लाइन है तो एंगल होगा 90 डिग्री. अब हमने थीटा लिया इन बिटवीन 0 और 90 डिग्री. तो फील्ड निकालने के लिए आप जानते हैं प्लस वन कूलम की बॉडी रखी जाती है. ऐसे हम इसको ड्राइव नहीं करेंगे, अब इन दोनों डेरिवेशन की हेल्प से ये डेरिवेशन करेंगे. यानी कि थर्ड डेरिवेशन दोनों की हेल्प से किया जाएगा बेटा. बट ये जो थर्ड रिजल्ट आएगा इसको आप एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा. ए बी ओरिजिनल डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी, ये ए बी जिसकी डाइपोल मोमेंट पी है. तो रिजोल्व करते हैं, आपने 11th में एक आर्टिकल पढ़ा है काइनेमेटिक्स वेक्टर्स में रिजोल्यूशन, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ सिंगल वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर. तो बेटा इसको स्प्लिट करते हैं. तो ये जो कंपोनेंट आएगा इसको हम बोलते हैं पी कॉस थीटा और इसके 90 डिग्री पर जो कंपोनेंट आएगा वो पी साइन थीटा. ओरिजिनल वेक्टर के हमने दो पार्ट कर लिए, यानी कि जो अपने पास जो डाइपोल था ए बी अब वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, ए डैश और बी डैश और दूसरा है बेटा ए डबल डैश और बी डबल डैश. अब अपने पास दो डाइपोल हो गए हैं. ए बी डाइपोल खत्म हो गया क्योंकि उसके अंदर दो कंपोनेंट बना लिए, पार्ट्स को कंपोनेंट कहते हैं. ए डैश बी डैश ये वो डाइपोल है जिसकी डाइपोल मोमेंट पी साइन थीटा है और इस डाइपोल के लिए आप देख सकते हैं पॉइंट पी लाइज ऑन इक्विटोरियल लाइन. और ए डबल डैश और बी डबल डैश एक डाइपोल है जिसकी डाइपोल मोमेंट है पी कॉस थीटा और उसके लिए कहां लाई कर रहा है ये एक्सियल लाइन पर. तो करते हैं बेटा स्टार्ट. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी कॉस थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी कॉस थीटा. यानी कि अब ए डबल डैश और बी डबल डैश डाइपोल की बात हो रही है. तो बेटा इस ए डबल डैश और बी डबल डैश या जिसकी डाइपोल मोमेंट पी कॉस थीटा उसके लिए पॉइंट पी एक्सियल लाइन पर है और एक्सियल के लिए फॉर्मूला ये होगा क्योंकि हमने ये दोनों आर्टिकल पहले ही कर चुके हैं, जानते हैं.
तो एक्सियल के लिए डायरेक्शन क्या होगी, आप देख सकते हैं ए डबल डैश है तो यहाँ चार्ज नेगेटिव होगा, बी डबल डैश है तो चार्ज पॉजिटिव होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो आएगी वो ये आएगी, क्योंकि पॉजिटिव वाला कूलम की बॉडी उधर जाएगी, नेगेटिव वाला कम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। इसको E1 लिख लेते हैं, तो बेटा मैंने डायरेक्शन भी लिख दी वहां, तो E1 इक्वल टू 2P, पी नहीं लिखा जाएगा, पी कॉस थीटा लिखा जाएगा, क्योंकि अब डाइपोल में पी नहीं ना होकर पी कॉस थीटा है, 2P कॉस थीटा ओवर 4π एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और डायरेक्शन में लिख लेता हूं अलोंग PX, ये पॉइंट PX, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमने इस ए डबल डैश बी डबल डैश डाइपोल को कैलकुलेट कर लिया इसकी फील्ड। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी साइन थीटा। आप देख सकते हैं पी साइन थीटा किस डाइपोल की मोमेंट है, पी साइन थीटा ए डैश बी डैश डाइपोल की, और उसके लिए पॉइंट पी कहां रहा है, इक्विटोरियल लाइन पर, तो इक्विटोरियल लाइन का ये रिजल्ट यूज करें क्योंकि हमने इस डाइपोल को आइडियल डाइपोल अज्यूम किया है। देन पहले डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, ए डैश यहाँ चार्ज होगा माइनस क्यू, बी डैश यहाँ चार्ज होगा प्लस क्यू, वैसे देखेंगे अगर फील्ड निकाली भी जाए तो ये अट्रैक्ट कर रहा होगा और ये रिपेल कर रहा होगा, आप देख भी सकते हैं ये वन कूलम की बॉडी को अट्रैक्ट करेगा, ये वन कूलम की बॉडी को रिपेल करेगा, और इनका रिजल्टेंट ये आने वाला है, ये डायरेक्शन रहेगी रिजल्टेंट की। इसको हम लिख लेते हैं E2, इसको PY लिख लेते हैं डायरेक्शन को, तो E2 हम इससे कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट रहेगा पी साइन थीटा ओवर 4π एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अलोंग PY रिजल्ट नंबर 4। ये दोनों की फील्ड निकालो, जब अब इन दोनों का नेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर एडिशन से ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो रिजल्टेंट निकालते हैं, लिखते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू डाइपोल मोमेंट पी या ड्यू टू ए बी डाइपोल। तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, ये दोनों जो वेक्टर है दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इसको जो सोल्व किया जाएगा वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से सोल्व किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन, इसी से सोल्व कर सकते हैं, E√E1² + E2² 2E1E2 cos 90। cos 90 जीरो है तो ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा बेटा, और उसके बाद यहां सोल्व कर रहे हैं E√E1² + E2² नेक्स्ट जीरो हो गया बेटा, E√E1 यानी कि 2P cos θ over 4π ε0, मैं लिख देता हूँ 2P cos θ over 4π ε0 r³² + P sin θ over 4π ε0 r³² कॉमन आउट करेंगे तो बेटा इसमें से रिजल्ट आएगा अपने पास P over 4π ε0 r³, और अंदर बचेगा 2 का square बेटा 4 और cos²θ + sin²θ, इसको भी आगे सॉल्व कर सकते हैं E√P over 4π ε0 r³√3 cos²θ + cos²θ + sin²θ, 4 cos²θ को हमने लिख दिया, 3 cos²θ + cos²θ और sin θ है भी, ये रिजल्ट 1 होता है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्ट रहा अपने पास P over 4π ε0 r³ √3 cos²θ + 1, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई बेटा
एट पॉइंट पी व्हेन जो पॉइंट पी है बेटा वो ना तो एक्सियल लाइन पर और ना ही इक्विटोरियल लाइन पर। अब बेटा इस मैंने कहा था कि ये आर्टिकल जो आप कर रहे हैं थर्ड पार्टी से आप फर्स्ट और सेकंड दोनों कर सकते हैं, तो एक बार देख लेते हैं इसी के स्पेशल केसेस पढ़ेंगे। स्पेशल केसेस क्या है, फर्स्ट स्पेशल केस मैं लिख रहा हूं इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर ये थीटा 0 हो जाता है तो पॉइंट पी आ जाएगा कहां, एक्सियल लाइन पर। थीटा 0 रखें, cos 0 1, 3 प्लस 1 4 और 4 का रूट क्या होगा बेटा वही 2 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा इस रिजल्ट में, अगर थीटा 0 रखते हैं तो E इक्वल टू 2 पी ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। सेकंड केस इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 है, ये थीटा 90 हो जाए तो पॉइंट होगा इक्विटोरियल लाइन पर, और इक्विटोरियल लाइन पे के लिए फिर ये रिजल्ट ये रहेगा। तो आप इसमें देख सकते हैं cos 90 0 और 3 into 0 0 रूट के अंदर 1 होगा सिर्फ और 1 का रूट 1, तो आंसर होगा E equal to P over 4 pi epsilon r cube, ये रिजल्ट है। तो इस आर्टिकल्स के जरिए आप इस डेरिवेशन को ध्यान रखें और इससे एक्सियल और इक्विटोरियल दोनों हो सकते हैं अगर डाइपोल आइडियल है तो। अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, डायरेक्शन हम देते हैं अल्फा से, टेंजेंट अल्फा से दी जाती है डायरेक्शन, आपने ट्रायंगल लो या पैरेललोग्राम लो में यही पढ़ा है। तो टेंजेंट अल्फा, इस एंगल को हम अज्यूम कर लेते हैं अल्फा है, और टेंजेंट अल्फा क्या होगा, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर होगा बेटा ये यानी कि पी वाई, पी वाई, और बेस होगा ये पी एक्स। पी वाई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ई टू, और पी एक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वन। ई टू और ई वन, ये रहा ई टू और ये रहा ई वन, जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा बेटा 1/2 टेंजेंट थीटा एंड अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये डायरेक्शन होगी बेटा, यहां से आप अल्फा पता लगा सकते हैं कि इस बेस लाइन से रिजल्ट कहां पर होगा बेटा। ये हमारा जो डेरिवेशन है व्हेन पॉइंट लाइज एट एनी पॉइंट, ये कंप्लीट हो गया है, और हमने इसमें एक्सियल लाइन और इक्विटोरियल लाइन की हेल्प से इसे किया है। हमने जो डाइपोल था ए बी उसकी डाइपोल मोमेंट पी है उसको रिजोल्व कर लिया दो कंपोनेंट में, पी कोस और पी साइन में। तो एक डाइपोल से हमारे पास दो डाइपोल बने हैं, फर्स्ट डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी साइन थीटा, सेकंड पी कोस थीटा, और इन दोनों की सेपरेट फील्ड हमने कैलकुलेट की और उसका रिजल्ट निकाला। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, स्टे एट होम स्टे सेफ।